शासन की स्थिति है उसके लिए जिम्मेदार एक ही व्यक्ति है जो है राज्य का मुख्यमंत्री है। लोकतंत्र में मुख्यमंत्री लोक सेवक के रूप में जाना जाता है, लेकिन ये झारखंड में जो सरकार चल रहा है, मतलब परिवार का विकास हुआ मतलब झारखंड का विकास, इस मानसिकता से मुख्यमंत्री रहते हुए अपने भी अपने पत्नी जी को अपने प्रेस सलाहकार को जिस तरह खनन पट्टा लीज दिया तो भारत के संविधान के लोक जनपद अधिनियम के 191(9)(a) के तहत कोई मुख्यमंत्री बन जाता है, कोई मंत्री बन जाता है, कोई जनप्रतिनिधि, तो सरकारी पट्टा धंधा नहीं कर सकता। अभी मुख्यमंत्री जी को इतना भी ज्ञान नहीं है, मैं मुख्यमंत्री हूँ, मुख्यमंत्री रहते हुए खुद व्यापार करूँ तो प्रजा कहाँ जाएगा। तो मुख्यमंत्री को चाहिए अविलंब त्यागपत्र देकर अपने झारखंड के कोई वरिष्ठ नेता को मुख्यमंत्री बना। क्या लग रहा सर, जिस तरीके से सभी विधायकों को लेकर के टूर पे घूम रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनको बीजेपी का डर है क्या? नहीं देखिए, ये सत्ता में आने के बाद से ही अबुआ राज के नाम पर जल जंगल जमीन के नाम पर जिस तरह झारखंड के जल जंगल जमीन के कन कन और तिनका तिनका को बिचौलिए और सिंडिकेट के हवाले कर दिया, हम देख रहे हैं कि 2.5 साल से इसी धनबाद निरसा में जिस तरह अवैध कोयला का व्यापार करोड़ों रुपये का जो अवैध धंधा जिससे सीधे सीएमओ जुड़ा हुआ, साहेबगंज संथाल पगाना में देखिए पत्थर उनके विधायक प्रतिनिधि आज जेल में, सीधे जो हमारा साहेबगंज का तिनका पहाड़ था जो फेमस था आज उस पहाड़ को प्लेन करके सारा पत्थर बांग्लादेश भेजने का काम कर रहे हैं, वही स्थिति बालू का अबुआ राज का बबुआ मुख्यमंत्री जल जंगल जमीन की बात करने वाला यहाँ की प्राकृतिक संसाधन भूमि संपदा का जो लूट मचा, और आज भी देखिए झारखंड की जनता की चिंता नहीं है, नौका विहार कर रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, झारखंड की 3.25 करोड़ जनता की चिंता नहीं है। ऐसे राजा, ये राजतंत्र नहीं है कि राजा जो मर्जी से करे, लोकतंत्र है, तो ऐसे राजतंत्र करने वाले शासन के मुखिया को झारखंड से जल्दी जाना चाहिए। सर अभी जैसे कि राजतंत्र करने वाले शासन के मुखिया को झारखंड से जल्दी जाना चाहिए। सर अभी जैसे कि यहाँ जेएमएम की सरकार की स्थिति डगमगाई हुई है, इस स्थिति में क्या भाजपा द्वारा ये प्रयास किया जाए अभी हम लोग वेट एंड वॉच कर रहे हैं कि बाद में राज्यपाल चीफ इलेक्शन कमीशन ने क्या एडवाइस दिया है, क्योंकि 4.5 महीना दोनों पक्ष को चीफ इलेक्शन कमीशन ने सुना, अब इंतजार कर रहा, आप लोग भी इंतजार कर रहे हैं, हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि महामहिम राज्यपाल क्या निर्णय सुनाते हैं, निर्णय सुनाने के बाद ही भारतीय जनता पार्टी आगे रणनीति तय करेगी। क्या कांग्रेस और जेएमएम का विधायक के भी टच में है क्या बीजेपी? देखिए सरकार गठन होने के बाद से 6 महीने के बाद से चाहे सत्तारूढ़ दल के विधायक हो, चाहे कांग्रेस के विधायक हो, जेएमएम के विधायक हो, बीजेपी के विधायक, सभी आक्रोश है, कोई काम हो नहीं सिवा लूटपाट छोड़कर, कोई विकास के काम चाहे विधायक के अपने क्षेत्र का हो, इसीलिए आप देख रहे हैं उनके खुद की भाभी मुख्यमंत्री जी का सीता श्रीमती सीता सोरेन बार बार ट्वीट कर रहे हैं कि जल जंगल जमीन को लूटा जा रहा, प्रशासन कहीं नजर नहीं आ रहा, गोविंद सोरेन अपने सरकार के खिलाफ ही उसके विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा जो पत्थर बांग्लादेश भेज रहे थे रोड पे धरना में बैठे ना धरना में जी, तो इनकी सरकार से तो इनके विधायक ही नाखुश है, ये सरकार अपने मौत अपने मरेगी, किसी को कुछ कोई कुछ करने की जरूरत नहीं। सर एक सवाल आपका, ये लगातार जयराम महतो द्वारा 1932 के खुलेआम को लेकर आंदोलन किए जा रहे हैं, इसे आप किस रूप में देख रहे हैं? इसे झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता से पूछो, क्योंकि उसने ही वादा किया था कि हम आएंगे 3 महीने के अंदर 1932 का खुलेआम। मैंने फिर कहा ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ये आदिवासी का समाज का शोषक, ये मूलवासी समाज का शोषक, आपने देखा विनोद बिहारी महतो, इस झारखंड के लिए विनोद बिहारी महतो, शिबू सोरेन, एके राय ने संघर्ष किया, सम्मान कौन दिया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी
हम अपने जो शिक्षा अभी बहुत बिहारी मानते हम लोग ने यूनिवर्सिटी दिया, इन लोग भी सरकार बनाए थे जेल में, कभी चिंता की थी मनोज बिहारी मातो ने? हमारी इच्छा थी कि एके राय धनबाद हॉस्पिटल का एके राय के नाम से करने की, क्योंकि एके राय किसी पार्टी का रहा, उसने गरीब मजदूर को लोगों की सेवा की थी।